क्षेत्र में बात बात में फायरिंग हो गई। पुलिस पूरे घटना की जानकारी में जुट गई है। दुगावा चौकी प्रभारी से पहली बार चौकी पहुंचते ही मौलवीगंज में चली गोली। दो पक्षों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर एक पक्ष ने करी फायरिंग। रस्सी बाटान मौलवीगंज के रहने वाले शेखू अपनी मोटरसाइकिल डॉक्टर उस्मान के मकान के पास खड़ी की, क्योंकि शेखू की गली में मरम्मत कार्य चल रहा था। मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर जफर ने शेखू से मारपीट करते हुए 315 बोर के असलहे से शेखू के ऊपर फायर कर दिया, जो मिस हो गया। फिर दूसरा फायर किया तो शेखी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। गोली चलने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नाका कोतवाली प्रभारी तैनात न होने से दबंगों को पुलिस का नहीं रहा डर, बेखौफ। दबंग ने दिन दहाड़े चलाई गोली, गोली चलाकर दबंग हुआ फरार। नाका कोतवाली अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक व चारबाग चौकी प्रभारी अमरनाथ चौरसिया, नित्य चौकी इंचार्ज दिनाकर वर्मा, विजयनगर चौकी इंचार्ज सूर्य सेन एवं नाका पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने में जुटी। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। हमें जफर रहते हैं, उनकी गली में मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो आए हमसे, कहीं गाड़ी यहाँ पे तो खड़ी है, इस तरह से बोले। तो हमने उनसे कुछ बोला नहीं, उनसे कह के आगे बढ़ गए। तो उनको मारने भी दौड़े, उनको मारने दौड़े तो हमने उनसे, उन्हें मेरा गिरेबान पकड़ा, उन्हें भगाना मेरे बड़े भाई तक, ऐसा हाथ निकल जो वहाँ हाथ उठाए, उनको धक्का करके भगा दिया। फिर वो घर गए स्पीड में, घर से उन्हें हथला उठाया, फिर आके मेरा इंतजार करते रहे। हम एक जगह बैठे, हाथ उठ के जैसे उनको घूर रहे थे, वो बहुत खतरनाक घूर रहे थे। वो तो हमने घूर कह रहे हो, तो उन्होंने कमर तसला निकला, मेरे दो गोली चलाई मेरे ऊपर, गोली में असला नहीं चलाया मैंने उनके हाथ। क्या नाम था उनका? सफर खान नाम है उनका। क्या करते हैं? वो घर में ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर। इससे पूर्व में भी क्या कोई आपसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ है? कुछ नहीं, ये पहली बार पहली घटना थी। पहली बार पहली घटना में उन्होंने मेरे को गोली चला दी। आपके साथ में और कोई लोग मौजूद थे? मेरे साथ में कोई नहीं था, बाकी जो पकड़ी मोहल्ले की थी, बचाने ली थी, वो थी वहाँ पे, बीच बचाव कराया। जब वो हाथ में लिए थे तो लोग बीच बचाव कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, तभी वो भागे वहाँ से। क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस को? कंप्लेन पुलिस को मैंने कंप्लेन करी है, कार्रवाई चली। अच्छा, तो वो कहाँ है अभी? मौके पकड़े गए हैं, वारदात वो भाग चुके, फरार हो गए असला लेके। तो वहीं के निवासी, वहीं रस्सी बटान। पूरा मामला कहाँ का है? ये रस्सी बटान का मामला है, मौलवी रस्सी बटान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शेखू।